Welcome to Minto Fresh Presents Chinchpokli to China, जहाँ से कोई भी ऐसे बिना जाए ना। अब उन्हें सुनेरी, याद है ना? Like doom to like, चोरी चोरी किया, yeah that one। क्या है ना आज अपने को चांस मिला है होस्ट करने का तो शुरू करो। नहीं वैसे तुम लोग ना बोलेगा तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, you know like। तो ऑडियंस लोग जोरदार ताली मारने का, क्योंकि अपना गेस्ट भी इधर है, अपना खास खास मेहमान, जोरदार तालियां अर्चना पुरन सिंह के लिए। और उसके बाजू में बैठा ला है मेरा खास, मेरा फ्रेंड शेखर सुमन। अभी मैं तुम लोग के लिए एक शायरी मार रही हूँ, जरा तुम लोग तकल्लुफ देना, ओके? हाँ, इस दुनिया में आए हैं तो सबको अपना बनाने का, इस दुनिया में आए हैं तो सबको अपना बनाने का, लोगों को बिंदास हंसाने का, किसी को नहीं सताने का, फिर भी कोई नाटक करे तो ये कान के नीचे बजाने का। क्या कहा तुमने? कान के नीचे बजाने का? रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। इसने बोला कान के नीचे बजाने का। मैं तेरे को नहीं बोली यार, खाली खाली काय को गला फाड़ रही है। तू कौन है यार, कौन है तू? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अभी पहचान जाओगी। वेल्स मीडिया, वेल्स मीडिया। अच्छा 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 आइला, तू खाकी सावंत है? अरे यार स्टाइल मत मार, तू खाकी है ना, तो अपन सुनहरी है, यू नो लाइक सुनहरी लाइक। तुम सुनहरी कम गिलहरी ज्यादा लगती हो, समझी? तेरे को पता है मेरे को पद्मश्री मिलेला है, लाइक अ वॉर लाइक। मिला होगा क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही अलग है। तुम्हें पद्मश्री क्या, सारा श्री, अमर श्री, अमानी श्री कुछ भी मिल सकता है। और तुम्हें पद्मश्री मिला है तो मुझे पब्लिक श्री मिला है, पब्लिक मुझे चाहती है। ए चल 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 चल, अभी बहुत जास्ती नहीं बोलने का। तेरे को पता है मैं बहुत बड़ी फैमिली से आई हूँ। हाँ मैं भी होती, मगर तुम्हारा अभिषेक बच्चन है और मेरा अभिषेक बच्चा है। इसलिए तो उसे जब चाहो थप्पड़ मारती रहती है, राइट? हाँ मारती हूँ, इसका मतलब मुझ में हिम्मत है, मुझ में हिम्मत है। है तुम में हिम्मत? तुम अपने अभिषेक को थप्पड़ मार सकते हो? है तुम में हिम्मत? अरे अरे लेकिन मैं काय को मारूंगी यार, अभिषेक मेरा सारा काम टाइम पे करता है, काय को थप्पड़ मारूंगी मैं उसको। और वैसे भी तू मेरे साथ क्या कॉम्पिटिशन करेगी, मेरा तो मोम का पुतला म्यूजियम में लगा है, लाइक यू नो म्यूजियम लाइक। मेरा नहीं लगा क्योंकि मैं हॉट हूं, अगर लगेगा तो मेल्ट हो जाएगा। लिसन, तुम हॉट है ना तो अपन बोल्ड है, यू नो लाइक बोल्ड। तुम बोल्ड कम ओल्ड ज्यादा लगती हो, समझे? तूने अपने को ओल्ड बोला, ठीक है ठीक है। देख मैं क्या करती हूँ, हेलो हेलो अभिषेक। क्या बात बात पर अभिषेक अभिषेक करती रहती हूँ, और कोई टॉपिक नहीं है? अरे थे यार, बहुत टॉपिक थे, लेकिन अपुन ने शादी के पहले सारे क्लोज कर दिए। चल अभी बट ले, टाइम हो गया। चल क्या तुमने मुझे बट लिखा? रुक जाओ अभी बताती हूँ। वेयर इज मीडिया, वेयर इज मीडिया, वेयर इज मीडिया। अरे तुम यहीं रुको, मैं मीडिया को ब्लॉक कर रहा था। अरे वेयर इज मीडिया? अरे मीडिया, मैंने तो मैं गाली दिया। अरे क्या, अरे यार जब तक ये मीडिया लेकर आती है ना तब तक अपन अपना काम सुलटाती है। तो पर्दे के पीछे हलचल, हंगामा और खलबली मचाने के लिए आ रही हैं एक ब्यूटीफुल डॉक्टर, दिव्या दत्ता। दिव्या बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। वैसे डी फॉर दिव्या, डी फॉर दत्ता, डी फॉर डॉक्टर, ओके, एंड डी फॉर दिल्ली सिक्स ऑल्सो। आपकी फिल्म के बारे में कुछ बताइए आप। दिल्ली छः एक अभिषेक की कहानी है, जो कि बाहर से आते हैं और अपनी दादी को लेने आते हैं और फिर दिल्ली छः के लोगों से मिलते हैं, एंड वॉट हैपन्स देन इज द स्टोरी, सो आई कांट टेल द स्टोरी राइट नाउ। चलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट दिव्या। लेकिन एक मिनट, ये आप क्या लेके आई हैं, जरा दिखाएं। ये क्या है कि वैसे तो मैं डॉक्टरों के खानदान से आती हूँ, लेकिन ये मैंने कभी उठाया नहीं है। अच्छा, तो आज मुझे पीछे कहा गया है कि आप डॉक्टर बन के जाएंगी और पर्दे के पीछे जाएंगी, सो आई हैव नो आइडिया कि मैंने पीछे जाके करना क्या है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कुलदीप और मैं बना हूँ क्या बनाऊंगा यार, आमिर आमिर। हाँ आमिर। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा और मैं बना हूँ सलमान। कुछ ही देर में यहाँ पे दिव्या डॉक्टर बन के आने वाली हैं इस पागलखाने में,
अब देखना ये है कि दिव्या हमें ठीक करती है या हम दिव्या को। अरे लेकिन करना क्या यार? अबे यार, तो आप ऑल सेट है पीछे जाने के लिए? आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज डू। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, दिव्या इज रेडी, सो पर्दा खींचे क्योंकि दिव्या जा रही है पर्दे के पीछे। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। अच्छा, वैसे तुमने अपनी जिंदगी के 4-5 साल से ज्यादा तो किसी को दिए नहीं, और तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। और ये कौन है यार? ए पागल। अरे बोल पागल। अबे यार, किसकी फोटो रखी है तूने? अबे तूने देखा नहीं है मेरी फिल्म में? मेरे पास सबकी फोटो होती, सबकी। मैं जलेबी हूँ। जलेबी? और इतनी सीधी जलेबी? एक्सक्यूज मी, जलेबी? अरे ये वही जलेबी यार जिसमें सारी दिल्ली मरती है। अबे दिल्ली नहीं बे, दिल्ली सिक्स। दिल्ली सिक्स, दिल्ली सिक्स, वही जलेबी है यार। इसे मैं खाऊंगा यार, मैं खाऊंगा इसे। स्वीट स्वीट, मैं एक टाइम पे एक ही जलेबी खाता हूँ, मैं खाऊंगा। अरे मैं तो एक साल में एक ही जलेबी खाता हूँ यार, मैं ही खाऊंगा। एक सेकंड, तुम दिखने में पागल हो लेकिन बातें बड़ी अकल की करते हो। अरे थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ ना तो मैं अपने दिमाग में 40-50 बार सोचता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और जब मैं अकल वाली बात करता हूँ ना तो कहने से पहले मैं अपने दिमाग में एक बार भी नहीं सोचता। यार तेरे पास दिमाग होगा तो सोचेगा ना। मेरे पास तो तेरे पास बॉडी है, बॉडी। दिमाग मेरे पास है और बॉडी भी है। अरे तेरे दिमाग का क्या फायदा? हर 15 मिनट में फ्यूज उड़ जाता है। देखो तुम लोग झगड़ा मत करो प्लीज, तुम्हें झगड़ा करना है ना तो बॉक्स ऑफिस में करो। ओके? अरे बॉक्स ऑफिस में जाके कैसे झगड़ा करें? हर साल बॉक्स ऑफिस में 1-2 बार आता है सिर्फ ये साला। अरे तो क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, अगर तुम युवराज जैसी फिल्में करोगे ना तो तुम भी बॉक्स ऑफिस पर 1-2 बार आओगे। एनीवे मैं आ गई हूँ, अब मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगी। अरे धमकी दे रही होगी यार। मैं धमकी क्यों दूंगी, मैं कोई मैदा पाट करूँ क्या? मैदा पाट कर, ये कौन है यार? अब आमिर उसको छोड़ो, तुम बताओ कि तुम पागल कैसे हो? मैं? अरे आमिर कौन है यार? अरे यार मैं बताता हूँ डार्लिंग, एक्चुअली क्या है, ये पहले से ही पागल था। फिर इसकी एक पागल से मुलाकात हो गई, उस पागल से इस पागल की लड़ाई हो गई, उस पागल ने इस पागल को इतना मारा कि ये पागल पागल हो गया। अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पागल कौन है। अरे यही है, यही है। तुम्हें कैसे पता है? एक्चुअली पहले इसकी पागल से लड़ाई हुई, अच्छा, फिर उस पागल ने इस पागल को बहुत मारा, अच्छा, तब से ये पागल हो गया। ये बात कुछ सुनी सुनाई नहीं लग रही है? अरे सुनेगी ना, अभी तो बोली मैंने। और इसने ही बोली। Oh my God, इसका झगड़ा सिर्फ शाहरुख से हुआ था। ये कौन है यार? अरे ये नहीं, अरे तुझसे भी झगड़ने लगा। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, शाहरुख खान सुपरस्टार, उसकी बात कर रही हूँ। सुपरस्टार? हाँ। अरे यार हम इधर आपस में पागल हो गए और उसको सर हो गया। देखो तुम लोग इस तरह से झगड़ा करते रहे ना तो मैं तुम दोनों का इलाज नहीं करूंगी। अरे डॉक्टर डॉक्टर ऐसा मत कहो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं पागल नहीं हूँ। एक्चुअली क्या, मेरे ऊपर बहुत सारे केस लग चुके हैं। उन सब केस से बचने के लिए ना मैं पागल की एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, फिर तो तुम पे एक और केस हो जाएगा, धोखेबाजी का केस। तुम मुझ पे धोखेबाजी का केस नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो पागल हूँ। अरे अभी तो तुमने बोला कि तुम पागल नहीं हो। वो तो मैं पागल हूँ तो मैंने कह दिया। I give up, आमिर तुम बताओ कि तुम पागल कैसे हो? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। देखो इस धरती पे जितने भी जीनियस पैदा हुए ना, आइंस्टीन गैलीलियो, सबके सब पागल थे। चूंकि मैं जीनियस हूँ तो मुझे पागल होना जरूरी है। देखो तुम एक बात करो, तुम जीनियस हो कि तुम पागल हो? मैं पागल जीनियस हूँ। नहीं नहीं, मैं जीनियस पागल हूँ।
अरे नहीं नहीं एक मिनट, मैं कौन हूँ यार? मैं पागल हो जाऊंगी। अरे व्हाट इज दिस यार, जब से मैं पागल हो गया हूँ सब लोग मेरी कॉपी करने लगे हैं। हाँ यार। मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं सच में पागल हो रही हूँ। आई एम गोइंग मैड, आई एम गोइंग क्रेजी, आई एम गोइंग रियली रियली मैड, मैं पागल हो रही हूँ। अरे 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 तुम पागल हो गई, ये तो खुशखबरी है यार, अब तुम क्या करोगी? अब मैं शादी करूंगी। किससे यार? तुम इससे जो बड़ा पागल है ना उससे शादी करो। तो मैं ही हूँ बड़ा पागल। मैं हूँ। अरे मैं हूँ यार, अरे मैं हूँ, मुझसे करेगी। अरे मैं हूँ, मुझसे करेगी। अरे यार मुझसे करेगी, मैं बड़ा पागल हूँ। कैसे? अरे मैं एक एक फिल्म में 80-80 रिटेक देता हूँ, एक एक सीन में। अरे बड़ा पागल मैं हूँ, 80-80 रिटेक देने के बाद भी गंदा शॉट देता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बड़ा पागल मैं हूँ, मुझसे शादी करोगी? बड़ा पागल मैं हूँ। अबे तेरा डायलॉग आगे बोलना। अरे मैंने मंगल पांडे जैसी फिल्म की है, बड़ा पागल मैं हूँ। अरे बड़ा पागल मैं हूँ, मैंने युवराज की है। देखो एक्सक्यूज मी, तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से बड़ा पागल कौन है। ऐसे मिस कर देना मुझे, तब तक मैं दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज ऑफ गॉड, मैड पीपल, जलेबी, एक्सक्यूज मी, ये तो गोल गोल घुमा के चली गई। छोटे पागल वो चली गई। क्या बात है दिव्या, दैट इज रियली फनी। लेकिन भाई इतनी हॉट डॉक्टर अगर होगी तो लोग प्रपोज तो करेंगे ही ना, दैट्स लाइक ऑब्वियस। चलिए जानते हैं कि अर्चना को आपकी जलेबी कैसी लगी। भाई इतनी बढ़िया और इतनी मीठी और इतनी स्वीट लुकिंग जलेबी, आदत तो है खाने की लेकिन देखने की नहीं है। आई वांट टू आस्क यू कि तुम्हें कुछ अंदाजा था कि किस तरह का पर्दे के पीछे हम लोग करते हैं? देखा तो होगा थोड़ा बहुत। आई हैड सीन समथिंग बट यू डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू हियर। हाँ, सो अंदर गए तो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पागल आपके लिए बैठे हैं और दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। दिल्ली 6 में आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट यू डूइंग इन दैट, व्हाट रोल इज इट? इट्स नॉट अ कॉमिक रोल फॉर श्योर। या आई एम प्लेइंग जलेबी और इस पर सारे दिल्ली 6 के जो लोग हैं वो मरते हैं, सो दैट इज हाउ इट इज। एंड पूरा लुक अलग है मेरा इस फिल्म में और डायलेक्ट अलग है एकदम। एंड आई एम रियली ग्लैड राकेश हैज गिवन मी समथिंग सो डिफरेंट। आई एम श्योर यू विल डू वेल इन दैट रोल एंड आई एम श्योर द फिल्म विल डू वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब आइए जानते हैं शेखर की राय। शेखर, आपको क्या नाम दूं, जलेबी दत्ता या दिव्या जलेबी? दिव्या जलेबी sounds better. दिव्या जलेबी थोड़ा शायराना लगता है। हाँ, it's quite mad and we're dealing with everything mad on this stage. So I think आपकी तारीफ करना, we have always appreciated you as an actress. ऐसा लगता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को डंबल दिखाने के बराबर है। Oh my God, I'm mad about that totally. Wow. चलिए दिव्या, आप हमारे शो पे आए एंड एज ऑलवेज इट वाज आवर प्लेजर। बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेन किया। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच एंड आई स्टिल मेंटेन दिस रिमेन्स माय फेवरेट शो। क्या बात है, जोरदार तालियां दिव्या दत्ता के लिए। थैंक यू सो मच दिव्या, इट वाज आवर प्लेजर। जोड़ी वही सॉलिड होती है जो राम मिलाता है, चाहे वो जिंदगी भर रुलाने के लिए हो या थोड़ी देर हंसाने के लिए हो। तो आज अपन को इधर हंसाने के लिए आ रहे हैं बनकर कैदी और वकील। प्लीज वेलकम शरद एंड स्वप्निल। शकल इतनी गोरी चिट्टी है, कालिया का गाना बजा रहे हो तुम लोग। सिर्फ नाम कालिया है मेरा। इतनी रिस्ट्रिक्शन है यार, कॉमेडी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हमको ये एक मिनट। कैसा है कालिया? आई मीन पीलिया, आई मीन सीलिया, पजामा सीलिया। मैंने जज साहब से बात कर ली है। वो तुम्हारे केस की अगली तारीख आते ही तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे। यही कहना चाहते थे ना तुम? हाँ, तुम्हें कैसे पता है? बरखुरदार, क्या बकवास कर रहे हो? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखो मैं बहुत जल्द इस जेल से छुड़वा लूंगा, बस तुम कुछ देर और काट लो यार। कुछ देर, कुछ देर, कुछ देर, ये कुछ देर करते करते मेरी जिंदगी कट गई। अब तो मैं खुद भूल गया हूं कि मैं किस जुर्म में अंदर हूं। एहसान फरामोश, तुम भूल गए, हमारी वजह से ही तुम्हें यहाँ जेल में दो वक्त की रोटी मिलती है, रोटी रोटी और दाल रोटी।
तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश जाए मनुष्य, भगवान करे तू फिरनी बना, तेरा दूध फट जाए। दाल रोटी होती है यहाँ पे? बकवास कर रहा है तू, ये दाल इतनी पतली होती है किसी के मुंह पे मारो मुंह गंदा ही नहीं होगा। रोटी इतनी मोटी होती है जेब कतरे के जेब में रोटी डालो रोटी से जेब कट जाएगी। पता नहीं यार किस मनुष्य की शक्ल देख कर इसको अपना वकील, इसकी शक्ल देख ली होगी मैंने। चाइनीज ऐश्वर्या राय इन घूम टू है। तो मैं कह रहा था कि किस मनुष्य की शक्ल देखकर मैंने ऐसा वकील किया, इससे अच्छा तो मैं वकील नहीं करता, तब भी इससे जल्दी छूट जाता। अरे वो छोड़ ना यार, तू जानता है मैंने तेरे पीछे तेरे घर का कितना ख्याल रखा है। हाँ? पता है मैं तेरी सुंदर सी सिज़लिंग बेचारी बीवी से मिलने रोज रोज घर जाता था। कमीना कमीना महसूस हो तेरी इसलिए जाता था। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये मुझे तुम तब बोलना जब तुम जेल से बाहर आओगे। क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसी कौन सी दफा लगी मेरे पे? तेरे पे इतनी दफा लगी है कि तू जेल से बाहर आने से पहले ही इस जिंदगी से दफा हो जाएगा। तू कितनी दफा दफा बोलता है यार। अरे जज भी यही बोल रहा था, उसने कहा कि दफा छोड़ दो इसे SMS कर दो। अच्छा दफा कर यार जज को। वैसे जज है कौन? हाँ जज बहुत सख्त है। कौन? जो मर्दों को कभी बाहर नहीं आने देता। कौन? शेखर सुमन। ओ मैं समझता हूँ कि जज अगर शेखर जी हैं तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि शेखर जी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मेरे लड़का होने का भी। तो लेकिन अगर अर्चना जी जज होती ना मैं दो पंच सुनाता, वो हंसती वो माइंड ब्लोइंग कहती मैं अपने घर चला जाता। तू दो पंच मार के बाद में अपने घर जाता, इससे पहले वो तुझे अपने घर ले जाती। यार फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही अच्छा हूँ, वरना आसमान से गिरता और खजूर में अटकता। पहले खजूर, खजूर से ज्यादा है खजूर का। किस खुजली में ए? किस खुशी में? खुशखबरी खा खा। अरे अच्छा खजूर यार। क्या लेकर ले? क्या क्या खुशखबरी? क्या तेरी बीवी को बेटा हुआ है बेटा। क्या क्या बात कर रहा है यार, मेरी बीवी को बेटा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ना कसम मैं पिछले 27 साल से अंदर हूँ, मेरी बीवी को बच्चा कैसे हो गया? लेकिन मैं तो बाहर हूं ना। आईना क्या बात है, ये ऐसे कैदी और ऐसे वकील ऐसे अगर रिश्ते होने लगे तो यानी कोई जेल से कभी बाहर नहीं आएगा और कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। मां कसम मां कसम। आइए जानते हैं अर्चना को ये कैदी और वकील कैसे लगे। जय हो दोनों। शरद और स्वप्निल, शरद पहले तुम्हारे बारे में बोलूंगी, यू आर अ रियल सरप्राइज पैकेज। आप पहली बार नहीं, आप यू हैव कम हियर अर्लियर आल्सो, लेकिन ईच टाइम यू आर इंप्रूविंग एंड यू आर सच अ प्लेजर टू वॉच। थैंक यू सो मच। और स्वप्निल, तुम्हारे नाम के आगे निल बिल्कुल सूट नहीं करता, इट शुड बी फुल, बिकॉज फुल मार्क्स फ्रॉम माई साइड इफ देयर वर मार्क्स फॉर दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू, यू आर माई पर्सनल फेवरेट एंड चाहो ना चाहो आई वॉन्ट टू टेक यू होम। थैंक यू, वंडरफुल। All right. अब आइए जानते हैं कि शेखर को हमारे फिल्मी वकील और कैदी कैसे लगे। I think Sharad was fantastic. Lot of these audience have this very fixed notion, Archana, about like soap actors की ये बहुत दुखी आत्मा है और ये लोगों को अक्सर दुखी दुखी करते रहते हैं और इनकी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। But you have proved it time and again that you have that caliber to be as good in any other genre, which is a great thing. Thank you so much. So this is the quality that Swapnil also has in abundance, jisko kehte hain athah, bilkul sagar bhara hua hai when he it comes to acting and when he takes out voices he you know pleasant. I was pleasantly surprised, but I would say I was shocked that he could. I thought probably only VIP was gifted, but he's equally gifted. This man, a huge round of applause. A huge round of applause for Sharad and Swapnil. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much. It was our pleasure. Please have a seat. अभी आगे और फुलटू मजा आएगा, क्योंकि इधर हस्ती आएगा ना, हस्ती आएगा तो मस्ती भी होएगा। अरे हमेशा की माफिक। वैसे हस्ती से अपन को याद आया कि अपने घर में भी बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है। हाँ बहुत बड़ी 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 बोले तो 6 फुट चेंज की यार। दो हस्ती घूम रही है अपने घर में। हाँ
एक हस्ती तो 5 फुट के अंदर भी है। तो अभी मारने का जोरदार ताली, क्योंकि यहाँ पे आ रही है आज की हस्ती करने हमारे साथ ढेर सारी मस्ती। भाइयों और बहनों, डू यू वांट टू हैव अ लॉलीपॉप, आई मीन लॉलीपॉप? अरे ये लालू तुम्हारे पाप की उम्र का है समझे? So what? And I totally love you, लालू जी। बहुत बड़बक कहेंगी, धुत बंगड़ी कहेंगी। एक वो लड़की थी जो हमको ब्लॉक में बोली थी आई लव यू, और एक ही है जो डायरेक्ट बोल रही है आई लव यू। वो लड़की ब्लॉक वाली मैं ही हूँ, सेम टू सेम। बहुत बहुत अंटे संटे बात करती है, थोड़ा दूर हटिए दूर हटिए। अरे हम देवी का भक्त हूँ। देवी? देवी हूँ। अरे राबड़ी देवी का, और किसका? Come on, लालू जी, अगर वो राबड़ी है तो मैं भी राबड़ी हूँ, देखे तो सही। देखिए राबड़ी मलाई सबका बात मत करिए, राबड़ी मलाई खा करके ही हमारा बाल सफेद हुआ है, धूप में नहीं ना सफेद किया हूँ। ये बताइए हमारे अंदर का देख लिया है जो तुम्हारा दिल आ गया है? आप इंटेलिजेंट है, क्यूट है, फनी है, स्मार्ट है, पावरफुल है, और आपके पास तो कॉन्ट्रास्ट भी है। कॉन्ट्रास्ट कहाँ से आ गया बीच में? अरे आपके पास पावर है, और आपके बिहार में तो पावर ही नहीं, अंधेरा। अरे बस कीजिए, थोड़ा दूर रहिए। अरे पावर है, लेकिन पावर का मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, हमारे पास रेल मिनिस्ट्री है। देखिए हमने जो कितना ट्रेन चलवा दिया है, बजट में टोटल 100 ट्रेन पास किया था, उसमें से 40 तो बिहार के अंदर दौड़ा दिए। इसलिए तो कह रही हूँ चलाइए ना एक और रेलगाड़ी आपके दिल से मेरे दिल तक। अरे तुम बहुत लेट हो गई हो, अब बजट निकल चुका है, बजट में जितना गाड़ी अनाउंस करना था सब कर दिया है हम। दिस लिटिल क्वालिटी, इसी पर मेरा दिल आ गया। ये जो एड़ा बनाकर पेड़ा खाने की आपकी आदत है ना, उसी पर मैं फिदा हूँ। देखे थोड़ा थोड़ा दूर से बात कीजिए, कायदे से बात कीजिए, अभी बच्ची हो तुम। इसलिए बची हुई हूँ, और ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हाँ करो, वरना यहाँ और भी कई बिहारी बाबू हैं जिन पर मेरी नजर है। व्हाट से शेखर? ये तो हमको वो बाढ़ लग रही है जब पूरे बिहार का डुबोदोगी लग रहा है। लालू जी यू आर सो क्यूट। अपना मुंह रखिए म्यूट। लालू जी हाँ, You're so hot. अरे बात? I mean, बिंदास, you're बिंदास? सब बकवास है। लालू जी। ये जो लॉलीपॉप खा रही हो, ये मिर्ची वाला लॉलीपॉप है का? माँ सिसियाती जा रही एकदम। ये मिर्ची का नहीं, आपके प्यार की मिर्ची का असर है। अरे लेकिन हमने प्यार कहाँ किया तुम्हारे साथ अभी? तो कीजिए ना। अरे सरकार बनाने के लिए तो पार्टियों से हाथ मिलाते फिरते हैं, अभी मैं हाथ पकड़ क्यों? मुझ में क्या कमी है? दिमाग का कमी है तुम्हारे अंदर। What a deadly combination, I mean this dude and me. जब हमारे बच्चे होंगे तो मेरे जैसे सेक्सी और प्रिटी और इनके जैसे इंटेलिजेंट। वाओ नो नो, तो हमारे पहले से है, ऊपर से ये कह रहे बच्चे पे बच्चे बच्चे पे बच्चे, और कोई काम नहीं हमारे पास का? नहीं तो आपके पास और क्या काम है? हमारे पास अवंतिका का, गीतांजलि का जिम्मेदारी है, और क्या कहते हैं, ये सारी लड़कियां मुझसे ज्यादा सुंदर हैं? ए बुढ़बक लड़कियां नहीं है, रेलगाड़ी का नाम बता रहा हूँ। आई मीन वन सेक गाइस, आपके सपनों में फीमेल्स नहीं बल्कि ट्रेन्स आती हैं? अरे फीमेल्स भी आती हैं, सुषमा आती हैं, शीला आती हैं, ममता आती हैं। व्हाट? ये सारी लड़कियां मुझसे भी छोटे कपड़े पहनती हैं? नहीं। काहे से, ये सब हमारी भैंसों के नाम हैं। See, I'm telling you, you know, this innocent quality, what an animal lover.
कल मैंने आपको फेसबुक पे मैसेज किया था, आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? देशमुख को कौन सा मैसेज दिया था? कल तो मिला था देशमुख हुआ हमको। कौन सा मैसेज दिया था? लालू जी ना देशमुख फेसबुक आई मीन चैट, आप चैट करते हैं? हाँ हाँ छठ करता हूँ, हम छठ का पूजा बहुत बड़ा तरीके से करता हूँ। See, he's not even tech savvy, just like my daddy. का कर रहे हैं? देखिए आपकी इसी अदा पर तो मेरा दिल आ गया, मैं आपके प्यार में पागल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। तुझे कैसा लगता है? अरे बस करिए, ऐसा बात करने का तुम्हें होता बात करते? अगर तुमको प्यार मोहब्बत करना है तो इस बुड्ढे के साथ में प्यार मोहब्बत करके क्या करोगी? किसी कायदे के साथ बात करो, प्यार मोहब्बत करिए। वो अपना राहुल गांधी है, जवान है, सोनिया गांधी को विल बी गेट द पोता एंड द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस एंड इंडिया इज द ब्यूटीफुल ऑफ बराक ओबामा एंड पाकिस्तान इज द एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट एंड द रामविलास पासवान। समझती नहीं है, इडियट कह की बड़का बड़का बात करती है। मैं इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, सो यू शुड लव विद राहुल गांधी। वाओ वाओ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या कहा आपने, कुछ समझ नहीं आया मेरी। अरे भाई जो हम बोलते हैं हमको खुद समझ में नहीं आता है तो हमको कैसे समझाएंगे? हम जो बोलता हूँ सवेरे शाम को टेलीविजन पे देखता हूँ, मीडिया वाले हमको समझाते हैं कि हम सवेरे क्या बोले थे। ओके यू नो व्हाट, दैट डज इट। आई थिंक आई एम गोना जस्ट ऑप्ट फॉर द अदर बिहारी बाबू, व्हाट्स ए शेखर। Thank you so much. जोरदार ताली आज की हमारी हंसी के लिए। देखो अपुन है सुनहरी, बात करती है बिल्कुल खरी। अपुन को शोले की बसंती तो है नहीं कि फालतू में बकबक करते रहे ना ऐसा। हाइला बसंती से याद आया, आज इधर भी बसंती का कुछ नाटक होने वाला है। अरे वीरू के साथ, बोले तो छोटा मुंह बड़ी बात। आ रहे हैं छोटी बसंती नंदिनी और छोट वीर सिद्धार्थ। बसंती बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओके जरा नजर उठा के देखिए कहाँ है कुत्ते। मैं कुत्तों के सामने नहीं, आदमियों के सामने नाच रही हूँ। मेरे कहने का मतलब वही था कि इन आदमियों के सामने मत नाचना। ओके कभी कहते हो कुत्तों के सामने मत नाचना, कभी कहते हो आदमियों के सामने मत नाचना। आपके इसी कंफ्यूजन की वजह से मेरी दोनों बेटियाँ अब तक नहीं नाच पाए। मुझे भी लगता है इसी कंफ्यूजन की वजह से मेरे भी दोनों बेटे नहीं नाच पाए। मैंने तुम्हें मना किया था कि उस गब्बर के सामने मत नाचना, लेकिन तुमने उसे भी रामगढ़ का फोक डांस सिखा दिया। क्यों? मैं क्या करती? वो सांबा आपके ऊपर बंदूक का निशाना लगाए खड़ा था, आपकी जान जा सकती थी। मेरी जान चली जाए, आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्लासिकल डांसर होते हुए भी फालतू में 10 मिनट का आइटम डांस करना पड़ा। खैर छोड़ो छोड़ो, जो हो गया हो गया। अभी लोगों को बता दो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। आप मेरे वो हैं। तो फिर वो कौन है जो तुम्हें फोन पर गाने सुनाता है? कौन है वो? यू के वो तो बागबान है, फिल्मी बागबान। उस फिल्मी बागबान के साथ इतनी पॉपुलर हो गई कि वो रियल लगने लगा है और मैं फिल्मी। बागबान में हमारी जोड़ी हिट हो गई और लोगों की नजर में मैं बागबान के साथ फिट हो गई। पर अपने तो अपने होते हैं। आप बताइए उस रियलिटी शो का क्या हुआ? मैं उस रियलिटी शो में जज हूँ। यूं के जज तो मैं भी थी, नाराज हो गई तो रूठ कर वापस चली गई। अब पता चला तुम्हारी खूबसूरती का राज। मतलब क्या है आपका? मतलब जब कोई हसीना रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। नाम क्या है उस शो का? चिंचपोकली टू चाइना। वहाँ तो 5 जज पहले से ही हैं। मैंने तो दो ही सुने थे,
एक मेल और एक फीमेल। नहीं, पांच हैं। एक अर्चना, दूसरी पुरन, तीसरा सिंह, चौथा शेखर, पांचवी सुमन। और एक नखचड़ी, सरचड़ी, एंकर भी तो है। मुझसे बड़ी जलती है, जिगर माँ बड़ी आग है। जिगर माँ इतनी ही आग है? तो पान की दुकान पर खड़ा करते हो, कम से कम बीड़ी जलाने के काम आएगी। ओहो। आइए पूर्वी जी। सिद्धार्थ जी और नंदिनी जी, माइंड ब्लोइंग, जोरदार तालियां इनके लिए। सिद्धार्थ और नंदिनी, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस शो के सारे एक्टर्स फेल हो जाएं, आप लोग कभी फेल नहीं हो। थैंक यू। ओहो, आप तो कैरेक्टर में आ रही हैं, बहुत अच्छे। मैंने कई बार देखा कि दूसरे जो एक्टर्स आते हैं यहाँ पर, कभी उनका एक्ट अच्छा होता, कभी नहीं होता, कभी एवरेज होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, और कभी एकदम डिजास्टरस होता है, पर आप लोगों का हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छा होता। इसके पीछे राज क्या है? इसका राज धर्म जी बताएंगे। नहीं नहीं, ये कॉपी कर लेंगे। नहीं, ये कॉपी करेगी। स्टार्टेड इंप्रोवाइजिंग नाउ। आप दोनों ने हमें ऐसा पटाया है कि अब आप लोगों के सामने बाकी जो एक्ट्स आती हैं, आपसे पहले जो आई हैं, आपके बाद में जो आती हैं, वो फीकी पड़ती हैं। Hats off to both of you. Mind blowing. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए। Thank you, पूर्वी। Welcome, नंदिनी। Thank you so much. Bye. बस तो विल खेल खत्म, पैसा हजम। बस अभी सुनहरी यादों के साथ सो जाने का। बोले तो मेरी याद के साथ नहीं है, गोल्डन मेमोरीज के साथ। मरवाएगा। कॉमेडी का ये प्लेन इधर ही लैंड होने वाला है, नेक्स्ट वीक यहीं पे रहिएगा, फिर उड़ान भरेगा ये प्लेन। तब तक के लिए आप उनकी तरफ से गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।